They'll drive me crazy. प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज वो दोस्त ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे हस्बैंड के लिए। सो फाइनली हस्बैंड रेडी हो गए हैं आप लोगों से मिलने के लिए और अपने दिल की बातें करने के लिए। और आज हमारे ये दिल की बात टॉक शो में हमारे गेस्ट होने वाले हैं हस्बैंड, सभी के हस्बैंड नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड। सो प्लीज़ हस्बैंड हाजिर हों। ओके, प्लीज़ हस्बैंड का स्वागत किया जाए बड़े से राउंड ऑफ अप्लॉज। आपका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल। देखो, नया हस्बैंड है, मैं पहला नहीं दोस्त आया हुआ। आज ये आपका नया जन्म होने वाला है क्योंकि आज सभी दोस्तों को आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो भी वो जानना चाहते थे। सो काइंड आपका पुनर्जन्म हुआ है। कैसा लग रहा है आपको हमारे टॉक शो में आके? बढ़िया बढ़िया। अब प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए इत्मीनान से। आप ना रिलैक्स करिए, ये आप ही का घर है। तू ये ना सोचो तो स्टूडियो जी आए थे तो डगा रहा। घर तो मेरा, लाइक ये कमरा मेरा मेरा नहीं लगता। ये प्यार ये तेरे कमरे चला जाइए ना। ठीक है, जरूर करना काम काज। चलिए ओके। सो आप आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, ये आप ही का घर समझिए इसे। आज हमसे आज आप यार तू ना आपकी अदालत करनी में आज थोड़े ना तीखे कटाश भरे क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? ठीक है। सो मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप शौक से पूछ सकते हैं, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लें ताकि फ्यूचर में किसी भी ऐसी वीडियो में आप हिस्सा ले पाएं। सो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इनके नाम के बारे में है कि इनका नाम क्या है। आज हम उसको रिवील कर देंगे, पर पहले हम अदर क्वेश्चन लेते हैं तो धीरे धीरे फिर कम्फर्ट लेवल बढ़ेगा और फिर हम आपको नाम भी बता देंगे। प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए। ओके, सो रमन ने पूछा है कि हाउ डिड यू नो शी इज योर सोलमेट? आपको पता चला था या बस आवें? बस आवें, मन्नू लगदा कोई ना आकाशवाणी आई कहीं से। कहीं से कहां से आई? कहां से आई? इधर से आई, इधर से। सच्ची आई? आहो, मन्नू लगा कि यार। ओके, मैंने भी सुनी थी ये स्टोरी कि इनको लगा था अचानक। आई मीन यू नो, लगता है आपको भी लगा होगा। नहीं, की कहंदे हुंदे आ लाइक इन्होंने अट्रैक्ट उस टाइम माइंड दे विच थॉट्स आ गए, बस इन्ना की होया होना। मेनू एदा आ गया कि इस कुड़ी नाल जे ब्याह करावना ही है तो इस कुड़ी नाल एदा दी कुड़ी ना होना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सो हमारी शादी हो गई। ओके, तो दी पहली रिएक्शन की सी? आपकी पहली रिएक्शन क्या थी जब आपने मुझे देखा? सो आई ही ना। हां, कि कुड़ी लंबी आ, लाइक शी इज टॉल, सो मुझे ऐसे लगा कि कुड़ी कितनी टॉल आ। हां नहीं, 5'7" कि कुड़ी लड़की का कद काठ तो काफी ठीक है। तू ही तो मेनू भर्ती करा ला पे आर्मी जे। कद काठ ठीक है, तू ही मेरी भर्ती करा नहीं। ये कंद कुंद टाप जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। सो अगला क्वेश्चन है JSKY610 का। वीर जी, तुसी एक अच्छी ते एक बुरी आदत दसो सिमौर दी। दसना पंजाबी विच ही है। सत श्री अकाल, JSKY ने पूछा है। एक चंगी एक बुरी। चंगियां ने बहुत आज ओदे च एक पिक कर लेना कि इस साडी मेरी ते हिम्मत दी टेक केयर बहुत बढ़िया कर दिया। ते एडी बुरी आदत ए है कि काइंड ऑफ मूडी आ, जे इन ना करती फिर ना करती फिर मनाउणा थोड़ा जिहा औखा हो जाता है। औखा हो जाता जिद्दां हुंदे नहीं है बच्चे रोसे आंदे आ, कई वारी रोसे आंदी आ। वेरी हार्ड टाइम फॉर मी। किसी ने कहा कि आप अपने हस्बैंड के साथ पंजाबी में एक व्लॉग बनाए जिसमें सिर्फ पंजाबी बोली जाए? वो तो काफी है दोस्तों। नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट माय हैंड्स ऑन टू हिंदी। ओके, गुगी ने कहा है कि व्हाट्स योर नेम, बता देंगे जल्दी ही। और प्रोफेशन, बहुत सारे दोस्तों ने इनका प्रोफेशन पूछा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। रजनी ने कहा है कि आप अपने हस्बैंड के साथ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है करना? पति मेरे एक्टिविटीज़ मेरे ना एक्चुअली आउटडोर्स है ना, हाइकिंग करना, आउटडोर्स वॉक वूक करना, और की सब को जी करना। दस दे दस की नहीं अच्छा क्या नहीं मूवी लगता? मूवी नहीं देखते मेरे साथ आप? हाँ, टीवी नहीं देखते मेरे चॉइस दा? हाँ, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। बाकी तो सब कुछ अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई वी आर कंपैटिबल लिविंग विद ईच अदर। ओके, ब्ला ब्ला।
Your hubby is too good and I love your family. Thank you so much, darling. इनका नाम नहीं बताया आपने? नाम recipe place को ही. Thank you recipe place. बलजीत ने कहा है कि have you ever worn turban? Would love to see you in turban. तो ये कभी पग बननी है? आहो, अपने अपनी शादी के दिन. या अपनी शादी वाले दिन. हाँ. शायद एक मेरे पास फोटो हो एक रैंडम दिन तो ही लाल जी पग रखी दी है अपने सिर पे. किदी? कह दी. अपने घर खींच. मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर मुझे वो पिक्चर मिलेगी. वैसे शादी वाले दिन पहनी थी इन्होंने पर वो भी इनको पहननी नहीं आती और उसको लाइक पहननी तो आती है पर हैंडल करनी नहीं आती. तो जब हमारी फेरे होने वाले थे तो मथा टेकने लगे इन्होंने पग दे पर भागे सारी चिब्बी कर दी. वो मैं चिब्बी दिखाऊंगी आपको. वो मोस्टली हर कोई पंजाबी लड़का अपनी शादी पे पहनता ही है जो जो सरदार नहीं हो रहा जिन्हें बाल केस. हर कोई पहनता सरदार ते पहनता या दूजा भी पहनता. दूजे नु ते पहननी पैंदी केस वाला ते नॉर्मल ड्रेस ही पहनना ना. ये तो करना उदन पानी ही पहन दिया. हां उस दिन ते पानी पहन दिया जेड़ा बंदा केस जेदे नहीं भी हैगे ओनु भी. ओके यू आर अ वेरी लकी हस्बैंड. अभी रूप ने क्या आया? थैंक यू आई नो आई एग्री. ज़हरा ने क्या आया? हबी नु कहना कि एड्डी कर्मा वाली वोटी ता अल्लाह तो शुक्र अदा करया करो. ज़हरा बर्दाश्त करी ने क्या है कि पाजी बहुत यूनिक पर्सन है. यूनिक की तो माउंट एवरेस्ट केड़ी है? यूनिक तीन तीन हाथ नहीं पाजी यूनिक. थैंक यू सो मच केपी. हां मैं आम जहां आम जदा तुसी सारे होवे नहीं मैं यूनिक की मतलब. निधि ने क्या है कि पाजी भाभी ज्यादा दुखी तो नहीं करदी? नहीं नहीं निधि ने मेनू अपनी भाभी बना लिया तो तन्नू पाजी ना पहने नहीं करदी. ओके व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट योर फैमिली? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? अपने आप नूं 5 सालां च किथे वेखदे हो? अपने गोल्स मैनू लगता नहीं रिवील करना चाहते बड़े ज्यादा सीक्रेटिव नेचर दे इंसान आ. सो दसनगे हौली हौली अपनी पोलां खोलणगे. तंदुरुस्त रहिए 5 सालां च होर दसो की चाहिदा आपको? ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी को आपके नाम से बुलाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका नाम कभी नहीं लेती. किसी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पत्नी आपको नाम से बुलाए? दसो तेरा दिल करदा मैं तेरा नाम लेके बनावा बुलाना? नहीं लाइक तेरा दिल करदा लाइक आई एम नॉट यूज्ड टू इट. मैनूं हुण मैं यार पता क्या है ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक एवरीवन की है. जब कोई किसी को फर्स्ट नाम से बुलाता है अजीब लगता है क्योंकि हम लोग लव वाले नाम लेने के आदि हो गए हैं. जिसने अचानक से नाम लेना शुरू कर दो अजीब लगता है. मगर आई डोंट माइंड. नहीं माइंड नहीं तो नु वधिया लगूगा. यू लाइक इट? मैं माड़ा भी नहीं लगूगा. आई डोंट थिंक सो यू गोना लाइक इट. माड़ा भी नहीं लगूगा. भाऊ में ए तू भाऊ भाऊ कहंदी रहनी है. भाऊ भाऊ प्यारी है किद्दा कान दे नहीं मेरे नाम ना. मैं तो बोलिया ही नहीं जाता. बोलो की गागी का क्या? आई डोंट थिंक सो इनको अच्छा लगेगा. पर मेनू लगता पर मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा. बहुत वियर्ड लगेगा. थोड़ी सी स्टैंडर्ड सेट करके रखने पड़ते हैं. दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड. लाइक जब हम लोग डेट भी करते तब भी मैंने इनका नाम कभी नहीं लिया. फिर मैंने उसकी आदत बिल्ड हो गया और इनको भी आदत हो गई है मुझे मेरे मुँह से अपना नाम नहीं सुनने की. अगर ये मेरा नाम लेना मुझे बहुत गुस्सा आता है. लाइक मैनू लगता है कि मैं तो गुस्सा है ये मेरा नाम क्यों ले रहे फर्स्ट नाम. लाइक मैंने लगता है एंग्री है मैं तो. जिस दिन ये मुझसे गुस्सा होंगे ना तभी ये मेरा नाम लेते हैं. अदरवाइज नहीं लेते. अदरवाइज वो प्यार प्यार वाले वर्ड्स बोलेंगे. अगर जिस दिन गुस्सा है उस दिन फिर नाम से बुलाते हैं. सो ऐसे लगता है कि कोई तो पंगा पै गया वे. मतलब कि मैं नहीं इनू नाम ना बुलाऊंगा कभी. आपके पति को क्या? ओके मेरिया अवीर ने क्या है कि पाजी इसे मार दिया गल्ला दसो जड़िया तो बहुत अनोइंग लगती है. एक ही दसो बहुत ज्यादा ना दसो. एक का गल तो एक का गल दो गल्ला हो. नहीं नहीं दो दो गल्ला नॉट गल्ला. हां गल्ला बातें. Sometimes you too much introvert. Okay, Dooji. Achha, Dooji. Dusri bas yehi hai ki iska jo apna daira hai na usse comfort zone se ye kai baar bahar nahi jaati.
बाहर जाती नहीं है ये. आई हैव टू पुश हर टू गो आउट इन हर कंफर्ट जोन, मगर नहीं जा पाती. एक्चुअली वो हर एक बंदे की प्रॉब्लम है. वो वही बंदा जानता है जो बंदा किसी को दूर से देखता है, खुद बंदे को नहीं पता होता. इट अप्लाइज टू मी एज वेल. दैट्स इट. ओके. हाउ यू आर सो सैटिस्फाइड एंड लॉयल टुवर्ड्स हिम और बाय द वे आई लव यू गाइस. लारेब रहमान ने क्या आया, लारेब नु एडा किड्डा लगा कि तू ही सैटिस्फाइड आ मेरे तो एंड तो ही लॉयल आ. मे बी उन्हें तेरी अखां च पढ़ लिया. दसो. आई डोंट नो. ये तो इतना हैप्पीनेस दी बेसिक आ. दिस इज काइंड ऑफ बेसिक इन लाइक फॉर हैप्पी होम. दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट राइट. Yeah. You have to have loyal to each other. Yeah. If you are happy in your family, you are loyal. कुछ चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा. Otherwise, वही like you have to anxiety में जीना. Like you have to run around those things. So that's too that's far. That's very very small thing. That's actually. Too behind for us. Yeah. हम दोनों की priority ज़िंदगी में कुछ और है. ऐसी चीजें हमें करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी. अगर ऐसे होगा कभी कि एक दूसरे तो खुश नहीं है तो एक दूसरे ने दसना ज़्यादा विधियाँ पसंद करेंगे. हाँ. Hide करो ना लो. Yeah. Right. या तो आप अच्छी चीजों की तरफ लगा लो या बुरी चीजों की तरफ. Yes. So we try to focus on बंदे बनके रहो, बंदे बनके. या पर अगर जो बंदा या अपनी फैमिली चे खुश ना होवे फिर वो करदा. पर कई लोग ओही करदे रहंदे आ. घर भी एडा वधिया हुंदा फिर जाके चीट करदे. दिस इज काइंड ऑफ डिजीज. कोई कहंदा ना कि मैं अपनी वाइफ तो खुश नहीं तां चीट कर रहंदे आ. पर कोई ओही करदे रहंदे इतनी वधिया वाइफ हुंदी आ. हां दिस इज बीमारी. हां इट्स अ मेंटली साइकोलॉजिकली ये बीमारी आ. हां मैं कह सकता हर एक लोगों की प्रायोरिटी डिफरेंट आ. कई उस चीजों च ज्यादा हैप्पीनेस लभदे रहंदे मगर काउंसलिंग करके ये नुकसान ही हुंदा आ. लाइक अगर थोड़ी अच्छी गुड फैमिली अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो फैमिली ब्रेक होगी, नुकसान ही होगा आपका भी, आपकी मेंटल हेल्थ का भी, बच्चों का भी. ओके. सो खिलजी शुमायला ने क्या आया कि यू नो यू हैव अ सच अ चार्मिंग वाइफ. थैंक यू सो मच डार्लिंग. यू नो दैट. फिर वही अपनी तारीफां दे भरी जानी है. तो यार तू ही पढ़ लो फिर. सच अ जेन्युइन पर्सन यू आर, लॉट्स ऑफ लव यू मैन. साइदा ने क्या है हुण. नहीं गाइस ये और हिम्मत ऐसे फाइट करते हैं जैसे दोनों फ्रेंड हो. हिम्मत मेरे पास इनकी शिकायतें लेके आता है, ये मेरे पास हिम्मत ही लेके आते हैं. ये दोनों जाने एकदम कूल डूड बन गए हैं जैसे फ्रेंड्स होते हैं. राइट. सो दैट मीन ही इज कूल बट समटाइम आई डू गेट हॉट. फैजा ने क्या है कि पाकिस्तान कब आओगे वीर जी और सिमोर को भी लेके आना. पाकिस्तान जी हम ननकाना साहब तो कभी भी आ सकते हैं जब भी हम इंडिया जाएं, एज लॉन्ग एज क्या वो खुला हो है ना पेंडेमिक की वजह से. yes. तो पाकिस्तान तो जब आप लोग बुलाएंगे हम आ जाएंगे. yeah, हम रियली जाना चाहते हैं, स्पेशली लाहौर जाना चाहते हैं हम लोग. आई विश कि मैं हम ड्राइव करके लाहौर जाएं, खाए पिए, शाम को घर आ जाएं, जहाँ रात को रहें, आप लोग आए हमारे पास. आई डोंट नो हमारी लाइफ में ये चीज पॉसिबल होगी बट आई विश. फ्रीडम टू गो हेयर देयर शॉपिंग. हुण वेखो लाइक अमृतसर तो लाहौर एवं आ कि किसी के इधर रहिंदे हुण लाहौर जांदे हुंदे ही अपने दोस्तां नूं मिलण, शाम नूं घर आंदे हुंदे ही. इदां ही गा कि खास करके हमारे एरिया की इकोनॉमिकल हालत बेटर बहुत अच्छी हो सकती है बिकॉज़ ऑफ दिस. हिना ने क्या आया कि हिज पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट किस्मत एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. क्या आप किस्मत पे विश्वास करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे. सारा सब कुछ तो बचपन में किस्मत पे छोड़ा था. लाइक जो आपके दिमाग में है वो ही होगा. अगर आप कुछ भी सोचोगे वो ही होगा. अगर आप इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ फर्स्ट यू हैव टू प्लान इट आउट. तो यही जो प्लानिंग है यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ है. या और देखो थॉट्स बिकम थिंग्स. इफ यू सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स. राइट. पहली बारी थे आप लोगों ने इजी रखना था. किसी ने मठारू किरणदीप ने क्या है कि मेरी अखा बारे कुछ बोलो. किरिया मेरी तेरी. आई लाइक
your eyelashes, similar lashes. Okay, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इन्हां दा नाम दसो नाम दसो नाम दसो. गुरलीन ने बेचारी ने कहता कि मैं नाम जानना चाहनी हां पर पता नहीं तुसी दसना है कि नहीं. क्यों नहीं दसना? ओके, तुसी दसांगे की दसांगे? गीगू ने कहा है कि तुसी आलू परांठे बना सकदे हां? हां, बना सब कोई सकदा. नहीं बना सकदे पर अब तू तो मार्क नहीं होगा, बना क्यों नहीं सकदा? तो आलू फट जाने, परांठा बाहर निकल जाना, आटा लग जाना, सिंपल रोटी बेशक बना सकदा. तू तो मार्क नहीं होगा पर बना बना तो मैं बना दूं. आलू की सब्जी हो जाएगी, परांठी अलग हो जाएगी, मैं नान भी ला सकता हूँ. मैं मारन दे दोस्तों. कहंदे फिर दिखाओ अपने शुकी को की शो योर कुकिंग स्किल्स देन. तो ही देख दे रहे हो बस. दिखाएंगे किसी दिन ना, इनको छोड़ देंगे किचन में और एंड प्रोडक्ट दिखाएंगे, सिर्फ सारा कुछ यही करेंगे और फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. ओके, तो उन्हें खाना ज्यादा पसंद है या कुक करना पसंद है? खाना पसंद है, कुक करना. क्यों? बड़ा बेहुदा सवाल है ये. कुक करना पड़े तो सारा दिन भूखे रह लेंगे. आप बताइए, आपको खाना पसंद है? भूख रह लेंगे. आप बताइए, आपको खाना पसंद है या कुक करना पसंद है? यार नहीं, बहुत कई लोगों को कुक करना बहुत पसंद है, उन्होंने थेरेपी लगा. अगर आपको कुक करना पसंद है और अगर आप हमारे पास रहते हो, लेट अस नो. आते आते रहेंगे, दोस्ती पक्की कर लेंगे. सोनिया, सोनिया ने क्या है, सोनिया कांग ने. ओके, डू यू वर्किंग फ्रॉम होम और फ्रॉम ऑफिस? आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस बट नाउअडेज होम. Yeah, I think he likes working from home. All right, one thing that you can't stand about each other. I don't think so. There is something like that. Yeah, there's nothing like that. क्योंकि मेरे में भी सब कुछ अच्छा है, इसमें भी सब कुछ अच्छा है. नहीं, बुरा भी है. Actually, मैंने लगता हमारी आदत ऐसी है कि जब हम एक दूसरे से दुखी होते हैं ना, तो वो उसी समय पे होते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं. बिल्कुल है ना. हाँ, हम ग्रजेस नहीं रखते. हम लोग दुश्मन बन के ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, हमारी दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है. हाँ, दुश्मन बन भी जाए ना तो फिर कल नू याद नहीं रखना कि ऐसी कल के लिए लड़े ही, एक दूजे को कहना नहीं तू उस दिन ऐदा किता ही, तू उस दिन ऐदा किता ही, ऐदा कभी नहीं. साडे च फ्रिक्शन ज्यादा चर नहीं रहिंदी. पर अपा ग्रजेस अंदर तक रखदे नहीं है. ओ यार, ग्रजेस लोकी ग्रजेस के नाल भी नहीं रखदे. नहीं नहीं, पत्नी ऐदा करदी नहीं रहिंदी. तू परसों ऐदा किता, पति कहना तू पिछले हफ्ते ऐदा किता, पिछले महीने, एक साल पहले ऐदा किता. जो दोस्त बन गए, रियल दोस्त बन जाते हैं, ऐदा अंदर तक नहीं रखते. ओए ऐदा ऐसा तो होता ही है, नोबडी इज परफेक्ट. अगर तू आप नहीं ग्रजेस नहीं रखने चाहिए. अगर आप एक दूसरे के साथ 24 घंटे रह रहे ना, पति पत्नी है, तो फिर मत रखो. अगर आप पिन पॉइंट निकालने लग पड़े फिर बहुत अनोइंग हो जाता है, एक दूसरे से नफरत हो जाएगी. फिर तो आप किसी पे भी निकाल सकते. पाजी, यू आर सो लकी. पाजी, इतने केयरिंग कैसे हैं आप? सलेहा बिलाल ने कहा है. यू थिंक सो? गाइस, आई डोंट नो, आज मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है और फोकस शायद इधर उधर हो जाएगा. आई एम वेरी सॉरी. ओके, व्हाट इज योर नेम पाजी? वी आर ऑल वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. ओके पाजी, फिर अपना नाम दासी दो. दोस्तों, तो बहुत 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 सारे दोस्तों ने नाम पूछा है, उनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ. पवन, दीपिका, गुरवंश, सोनिया, हरमीत, बलजीत, अभिरूप, जाहरा, निधि, रमन एंड प्रीत, ऐशनीत, रजनी, दिव्या, फायजा, गुज्जर, गुरप्रीत, श्वेता, हुमायरा, हमना, हरमन, सुमायरा, परम, रमन, ब्रिंग एंड परम पुनीत सिद्धू. बहुत सारे दोस्तों ने नाम पूछा है, तो समय आ गया है दोस्तों इनके नाम बताने का. सो प्लीज ड्रम रोल ले आओ. नाम मैं घूम रहा था सो फार, मेरा नाम टिक 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 टिक. आज के दिन मेरा नाम रखा जा रहा है. लोग कहेंगे ना अपने नाम की खुशी में, उन्होंने कहा नाम आ गया की महान चीज है. आज कोई सा नाम तो कोई जानता ही नहीं है मेरा. मेरे हस्बैंड का नाम है निखिल, उनका पूरा नाम है निखिल तुपड़. और दूसरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चंस में, कि आपका प्रोफेशन क्या है. आई डोंट नो, बहुत सारे दोस्तों को इंटरेस्ट है जानने के लिए कि आप करते क्या हैं.
आज तक आपने कभी नहीं बताया, प्लीज बता दें। Well, I've been working full time as a real estate agent. मैं काम कर रहा हूँ टोरंटो GTA में, especially टोरंटो वेस्ट। I think टोरंटो वेस्ट आजकल ज़्यादा ग्रो करता पाया नहीं? Well, every I think it's कि कहते हैं they are fastly rising. Yeah. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, you can send me message on Instagram. We'll connect there. If you guys want to sell property, buy property. और इन्वेस्ट, I'm the guy. इन्होंने हमें बता दिया है कि इनका प्रोफेशन है रियल एस्टेट एजेंट, और इनका अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हम इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे और समय समय पे आपको याद दिलाते रहेंगे कि प्लीज इनको रीच आउट करें। इनकी और इनकी जो टीम है वो आपको आपके सपनों का घर दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ भी रियल एस्टेट से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो प्लीज इनको कॉन्टेक्ट जरूर करें। इनकी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। रमन ने एंड सोनिया ने पूछा है कि क्या ये घर लेने के लिए अच्छा समय है। आई थिंक उन्होंने आपका टिकटॉक वाला लाइव देख लिया था, उनको पता है कि आप रियल एस्टेट में हैं, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर ये आपका प्रिंसिपल होम है, इफ यू गाइस लुकिंग टू बाय फॉर योरसेल्फ, जिसमें आपने लाइक रेंट से निकल के अपना घर बाय करना चाहते हो, so that's always the perfect time अगर आप लोगों ने अपने लिए घर लेना है, क्योंकि as far as I know the houses prices are going up। जब भी आप afford कर सकते हो, जब भी आपको मौका मिलता है, go for your principal home, go for your own home। पहले दोस्तों तो हमारा कैमरा बंद हो गया था, I don't know हमने कहाँ तक बात की, अधी अधूरी रह गई होगी। बस यही बात कर रहे थे कि जब भी आप जंप इन करना चाहें, it's always the right time, yeah. And if you guys like looking to sell your home, let me know. It's the right time to sell, even it's a better time to sell. तो मुझे लगता है कि हमने सारे ही क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर कोई रह गया होगा तो प्लीज माफ कर दें, हम फ्यूचर में बताते रहेंगे। और आज आपको हस्बैंड का नाम पता चल चुका है, उनको प्लीज 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 इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। उनका पेज मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, देखो कितना क्यूट पेज है और बहुत अच्छी मोटिवेशनल डेली मोटिवेशन की भी वो पोस्ट करते हैं हमें बूस्ट करने के लिए। उनके साथ रابطہ कायम करने के लिए भी आप वहीं पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू वेरी मच हमारे इस टॉक शो का हिस्सा बनने के लिए, आपको बहुत ज्यादा हम थैंक्स करते हैं और आपने काफी ज्यादा अच्छा कोऑपरेट किया। बस खत्म हो गया, कई क्वेश्चन आपने आलतू फालतू बोले जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, जहाँ पे हमारी तारीफ आ रही थी आपने उस तारीफ को कट किया। अभी तो मैं क्या आपको नहीं सहा जाता मेरी तारीफ, अभी तो मैं कंफर्टेबल हूँ। And now you're telling me to go. No, you can talk even more if you want. करो, continue जाने। एक और बात बताना चाहती हूँ कि आजकल का जो समय चल रहा है, एक्चुअली मैं ना पति की बातें सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है इन बातों में। सो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं अपने वालों दे देनी है कि आजकल घर को बेचने का भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपना घर सेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि जितना आपको घर को एक्सपोजर मिलेगा उतना ही आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। सो हस्बैंड इस चीज़ का मेक श्योर करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले। और अगर आप घर ढूंढना चाहते हैं तब भी आपको वो आपके सपनों का बेस्ट हाउस ढूंढ के देंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होता है। मैं उनके घर देख के इतना अट्रैक्ट हो जाती हूँ कि मैनू भी मिलना था, घर चेंज कर लेना चाहिए था। सो या ज़रूर से करें और वो अपनी जिंद जान ला के आपके लिए प्यारी प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। आपको पता है कितना क्यूट बंदा है ये, सो आपको अच्छा घर दिलाएगा। और धीरे धीरे मेरे ब्लॉग्स में ना इंक्लूड करते जाएंगे। और वैसे भी अगर आप ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में, तो आप इनके पेज पे अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको डेली अपडेट्स देते रहेंगे वो कि क्या चल रहा है। ऑल द प्री कंस्ट्रक्शन न्यू प्रोजेक्ट्स व्हाटएवर आई एम गोना ब्रिंग, यू गोना फाइंड इट आउट ऑन माय पेज। यस, सो आपकी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी काम हो गया है पति को फॉलो करना, जल्दी से कर लें। ओके, सो आज हमें कॉस्को भी जाना है और मैं शूट कर रही हूँ वीडियो कि आपको कॉस्को में से कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो हमेशा खरीदनी चाहिए, जैसे आपके पैसे बचे और आप वो पैसे कार में इन्वेस्ट करें। इनके इंस्टाग्राम का नाम है निक बाय सोल्ड। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए एंड प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गेस्ट लीव अस अलोन। हम मिलेंगे जाओन। ओके 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 प्यारी, ये तू तो दिल पिला जानी है। टॉक शो में ना लोग चाय पानी पिलाते हैं, हमने आपको कुछ नहीं पिलाया, आई एम वेरी सॉरी। कोई नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। तो आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। बाय, आई लव यू।